Chunu. हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा और आज का जो व्लॉग है इसमें मैं प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ जो मैंने ख़रीदे थे। ठीक है, ये मैंने बेसिकली अपने बेबी के वजह से लिए थे और मेरा बेबी भी सोच रहा होगा कि मम्मी को तो वैसे भी शॉपिंग की इतनी आदत है और नाम मेरा लगा रही है। ठीक है, लेकिन नहीं, सच में मैंने ये बेबी के लिए प्रोडक्ट्स खरीदे और कभी सोचा नहीं था कि मुझे लाइफ में ये इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट जो है वो बहुत एक टिपिकल चीज़ है जो मोस्टली घरों में होता ही है, लेकिन मेरे पास नहीं था ये। तो ये एक रैकेट है जो मॉस्किटो वाला, लेकिन ये रैकेट मैंने एक अपने दूसरे प्रोडक्ट के वजह से लिया, मतलब लास्ट में जो प्रोडक्ट खोलेंगे, ठीक है, उस प्रोडक्ट के वजह से मैंने ये रैकेट लिया है। वो आपको लास्ट में समझ आएगा कि क्यों लिया है। ठीक है, तो ये तो इसकी तो पैकिंग भी इतनी सिंपल सी थी। ठीक है, और सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने लिया है, ठीक है, ये भी जनरली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टाइप का कुछ खरीदूंगी, लेकिन बेबी होने के बाद और अभी जैसे जॉब भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो अभी मेरे पास थोड़ा जैसे टाइम है तो दिमाग में ये सब चीज़ें आ जाती है कि बेबी के लिए ये भी कर लूँ, बेबी के लिए वो भी कर लूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट लिया है। इसके एक ही के अंदर दो चीज़ें आ गई थी। वैसे तो मैंने ये दो अलग अलग ऑर्डर किया था अमेज़न से, पर ये साथ में एक ही पैक में आ गया था। ये जैसे सिलिकॉन का है, इतना सॉफ्ट था ये और इतना फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसमें आप बेसिकली कोई भी सॉफ्ट चीज़ जैसे डाल सकते हैं। ठीक है, जिन जो होता है ना, हार्ड होता है तो वो शेप ले लेता है, तो आप समझ ही गए होंगे ये किस लिए है। ठीक है, ये एक्चुअली बेसिकली मैं होममेड सोप जो है जो अपने बेबी के लिए बनाऊंगी। ठीक है, बेबी के लिए बनाऊंगी और अपने लिए भी बनाऊंगी, मतलब फिर अपने लिए बनाऊंगी तो ऑब्वियसली सभी के लिए हो जाएगा। तो ये मैंने इस वाले प्रोडक्ट में एक गोट मिल्क से बना हुआ सोप बेस लिया है। ठीक है, ये ईज़िली मिल गया था अमेज़ॉन में, और जो मैंने नहीं सोचा था कि इतना सारा मिलेगा और इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम था। इसका कॉस्ट और सारे प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस प्रोडक्ट का ऑनलाइन रिव्यू भी काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छे रेटिंग से। वैसे तो अमेज़ॉन को रेटिंग के मामले में आजकल ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जैसे मुझे कुछ रेटिंग्स हो, मतलब कुछ कमेंट्स हो, बहुत जेन्युइन से लगे। और ये प्रोडक्ट का भी मैंने लिंक और डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जब मैं सोप बनाऊंगी एक्चुअली, तो मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और क्या क्या नेचुरल चीज़ें उसमें इंक्लूड करूंगी। ठीक है, वो उसका भी एक मैं वीडियो बाद में बना दूंगी। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मैंने गप्पू के लिए ऑर्डर किया है। ठीक है, बेबी के लिए है ये, जैसे बेबी को टमी टाइम वगैरह के लिए यूज़फुल रहता है। एक वाटर बैग है, मतलब जिसमें वाटर जो इनसाइड लेयर है वो वाटर से कंप्लीट होगी और जो आउटर लेयर है वो उसमें हवा भरनी पड़ती है। ठीक है, ये मेरे को ऑनलाइन दिखा था और काफ़ी छोटे छोटे भी थे, बट मैंने बड़ा साइज़ ऑर्डर कर दिया अमेज़ॉन में, लेकिन छोटा साइज़ भी अवेलेबल है। ठीक है, और मैं इस प्रोडक्ट पे एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी कि आपको क्या ये बाय करना चाहिए और कौन सा साइज़ सही रहेगा, और मैंने जो प्रोडक्ट लिया है उसको मैं मतलब बेबी कैसे उसको यूज़ कर रहा है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, क्योंकि अब तो मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करते हुए टाइम हो गया है, इसलिए इस पर जो वीडियो मैं बनाऊँगी वो एक्सपीरियंस बेस्ड ही होगा। और आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपके यूज़ आएगा, मतलब बेबी के यूज़ आएगा या नहीं। ठीक है, और ये लास्ट प्रोडक्ट जो है ये मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आई थिंक यूज साइज़ का भी ये है। वैसे तो मुझे हैरानी हो रही थी कि जितना ह्यूज वो एक्चुअली था वो इतने पतले से पैकिंग में कैसे आ गया। और मुझे सच में इस प्रोडक्ट जब मैंने ऑर्डर किया था ना, मुझे लग रहा था चलो मैं कर तो रही हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन रिव्यू एंड ये सब, लेकिन शायद मैंने गलत ऑर्डर कर दिया है, शायद मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। मुझे सच में प्रोडक्ट को देख के ऐसा ही लगा था। ठीक है, ये एक नेट है, एक मॉस्किटो नेट है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉस्किटो से, जो बेड साइज़ का आता है, जो बेड पे ही
लगाया जाता है। ये बहुत सालों से आ रहा है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है, कभी ऑर्डर नहीं किया, ना मेरे घर पे कभी ये था, ठीक है, और ना मुझे कभी लगा। लेकिन आजकल मॉस्किटो इतने ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, और हम मैं तो फिर भी ओडोमास वगैरह कुछ ना कुछ लगा लेती थी, ठीक है, और जब एसी चलना शुरू हो जाता है तब मॉस्किटो का प्रॉब्लम इतना नहीं होता। लेकिन अदरवाइज़ जब ऐसा वेदर होता है ना जब हम नहीं चला सकते, या जब बेबी छोटा है तो हम ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम लगातार एसी चलाएं, क्योंकि बेबी को ठंड लग जाती है, तो इसलिए तब मॉस्किटो की दिक्कत इसलिए आने लग गई है। और इसलिए मैंने नेट ऑर्डर किया। मुझे लगा था मैं अपने हस्बैंड की वेट करूंगी कि वो आएंगे इसे लगाएंगे, क्योंकि मुझे लगा ये तो भाई मेरी हाइट से भी ऊपर है, मैं कैसे करूंगी। पर मैं और मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि भाई मैंने क्या ऑर्डर कर दिया, मैं इसको रिटर्न ही कर दूं। लेकिन जब मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई तो करती हूँ कम से कम, जब मेरे पास टाइम है अब, तो मैंने खुद ही बेड के ऊपर चढ़ के, ठीक है, इसको ट्राई किया कि ये मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती। इनिशियली तो मुझे सच में गुस्सा आ रहा था, मैंने क्या ऑर्डर किया है, क्या सोच के मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको प्लेस करती गई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिफ़िकल्ट है, मतलब कोई खुद लगा सकता है, मतलब खुद ही लगा सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए हमें मेल मेंबर की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ये वीडियो में मैंने खुद ही इसको किया है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें कि जिसमें किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़े। इसमें दो साइड ऐसे ओपन था, ओपन मतलब जिप लगी हुई थी कि जिससे हम ओपन करके आसानी से अंदर जा सके या बाहर निकल सके। और इसको बेड के चारों तरफ इसमें एक तो मतलब एक्स्ट्रा जाली टाइप थी, ठीक है, जिसको हम एक बेडशीट की तरह अंदर लगा सकते हैं। और जो कॉर्नर्स थे वहाँ पे एक इलास्टिक जैसा एक बैंड था, ठीक है, उसको भी जैसे गद्दे के नीचे ऐसे फंसा सकते हैं, इससे इजी हो जाता है और ये निकलता नहीं है, ठीक है। और जो जाली थी वो बेडशीट की तरह अंदर लग जाती है, जो फोर कॉर्नर्स क्या पूरे ही चारों तरफ ही उसमें वो था, और कॉर्नर्स में नहीं पूरे उसमें था, जिसे बेडशीट की तरह मैंने इसको लगा दिया था। और मैंने इसको प्लेस करने के बाद फिर जो भी चीज़ें थी, मैट मतलब जो भी पिल्लो वगैरह और जो भी बेबी की स्टफ़ वगैरह, वो सारी चीज़ें वापस अंदर रख दी, एक नॉर्मल बेड की तरह मतलब इसको यूज़ किया, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। तो अब ये हो गया कि हम तीनों बेड में आ जाते हैं और तीनों को ही मच्छर नहीं तंग करते हैं, तो ये ज़्यादा ईजी रहा। और मुझे ऐसा लग रहा है अब तक का मेरा बेस्ट प्रोडक्ट था जो मैंने बाई किया है, नहीं तो मैं ऐसे अटरम शटरम जब भी लेती हूँ तो वेस्ट ही जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, अगर कभी जैसे खुला रह जाता है और कोई मॉस्किटो अंदर आ जाता है, तो मैं इसको इस रैकेट की मदद से मार देती हूँ। तो इसलिए रैकेट इस प्रोडक्ट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है, और अब तो मेरे को यूज़ करते हुए टाइम हो गया। और ऐसा होता भी है कि हम हमेशा जैसे इसको बंद नहीं करते, तो कोई मॉस्किटो अगर आ जाता है ना, तो वो बहुत इजी रहता है रैकेट से उसको मारना। और ये मेरा बेबी इसके अंदर सो रहा है, ठीक है, और चैन की नींद सो रहा है। उसको हम छोटे से नेट में डालते थे ना, उसको वहाँ भी कंफर्टेबल नहीं लगता था, बट इसके अंदर मैं भी चली जाती हूँ, मैं भी रह लेती हूँ, तो बहुत इजी हो जाता है। और अभी ये उठ गया है, ठीक है, और खेल रहा है, और अभी भी हम वही मॉस्किटो नेट के अंदर ही है बेड पे, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट था इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैंने पानी से भरा है, बहुत ज़्यादा नहीं भरा है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं ये जो स्टार्स वगैरह लगे हैं ना, ये इसके अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। जब पानी इसमें भर जाता है ना, तो ये इसलिए मतलब बच्चे देखे, फ्लोट करें, खेले, मतलब ये इसलिए टमी टाइम के लिए, ठीक है। आपने देखा भी होगा और सोचा भी होगा शायद ये प्रोडक्ट लेने का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।